Hello and welcome to this very special series Being Smart by Sleepwell Foundation. मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध. Being Smart ये बहुत ही खास सीरीज हमने बनाई है अपने युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जिसमें हम बात करते हैं उनकी और उनसे जुड़े हुए मुद्दों की, उनकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं और उनको कुछ बातें समझाने की कोशिश भी करते हैं. और इस बार हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू लेकर आए हैं जिस पर हम सबको सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपनी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी लेकर आएँ. जेंडर इक्वालिटी यानी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा समाज हम तैयार करें. तो अपनी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जेंडर होता क्या है, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है. उसके बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि कई बार जाने अनजाने हम किस तरह से लड़के और लड़कियों में, आदमी और औरतों में भेदभाव कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं. और क्यों बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज और देश के लिए जेंडर इनइक्वालिटी या भेदभाव को खत्म करना, ताकि वो समाज और वो देश तरक्की कर सके. तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं जेंडर दरअसल होता क्या है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जेंडर को एक व्यक्ति के सेक्स या लिंग से कंफ्यूज कर देते हैं. ये दो अलग चीजें हैं. एक व्यक्ति का सेक्स या लिंग वो होता है जिस पहचान के साथ वो व्यक्ति जन्म लेता है, यानी मेल या फीमेल. यानी सेक्स इज बायोलॉजिकली डिटरमिंड कि हमारी पहचान क्या है, लेकिन जेंडर ये नहीं होता. जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी लड़कों को हम एक तरह से पालते हैं और लड़कियों को एक तरह से पालते हैं. दोनों को अलग अलग तरह की बातें सिखाते हैं, दोनों को अलग अलग ढंग से हम ये बताते हैं कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं और तुम्हें किन किन कामों की आज़ादी है. और इन दोनों में हम बहुत फर्क रखते हैं, यानी बेटे और बेटी के परवरिश में हम बहुत फर्क रखते हैं और वही फर्क हमें बाद में आदमी और औरत के बीच नजर आने लगता है. कुछ एग्जाम्पल्स लेकर बात करते हैं. बहुत सालों तक, अब हालांकि थोड़ा सा बदलाव आया है हमारी सोच में और हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये धारणा रही है औरतें, लड़कियां घर के काम संभालेंगी, खाना बनाएंगी और आदमी बाहर के काम संभालेंगे. बेटे और बेटियों को जब पेरेंट्स डिसिप्लिन सिखाते हैं तो उसमें भी बहुत फर्क होता है. बेटे कितनी देर तक बाहर रह सकते हैं और बेटियों को कितनी देर बाहर रहने की आज़ादी है, इसमें बहुत फर्क होता है. यहाँ तक कि सब्जेक्ट्स की चॉइस में भी लड़के और लड़कियों में बहुत फर्क या बहुत भेदभाव कहें देखा जाता है. जबकि सच ये है कि किसी भी काम को करने में या जिंदगी को लेकर बड़े बड़े सपने देखने में या किसी काम को करने की काबिलियत में जेंडर आड़े नहीं आना चाहिए. हमारी सोच ये होनी चाहिए कि लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, दोनों खाना भी बना सकते हैं, दोनों गाड़ी भी चला सकते हैं, दोनों ही घर और बाहर के काम संभाल सकते हैं, दोनों ही किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बराबर से सक्षम हैं और दोनों को अधिकार है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का और सपने देखने का. तो आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुत जरूरी है कि आप खुद से एक सवाल पूछें कि क्या किसी भी काम को करने में या किसी चुनौती का सामना करने में या किसी भी मुश्किल हालात से निपटने में या सिर्फ अपनी जिंदगी को लेकर सपने देखने में किसी भी जेंडर में कोई फर्क होता है. और अगर आप ईमानदारी से सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, उनकी भावनाएं, उनकी सोच समझ, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता दोनों बराबर होती हैं. ना कोई किसी से ताकतवर होता है, ना कोई किसी से कमजोर. और जब हम बात कर रहे हैं जेंडर्स की, हमने बात की मेल और फीमेल की, तो थर्ड जेंडर की बात करना भी बहुत जरूरी है. थर्ड जेंडर में वो लोग आते हैं जो जिस सेक्स या लिंग के साथ जन्म लेते हैं उसमें वो खुश नहीं होते. अक्सर आप देखते हैं अपने आसपास कोई लड़का लड़कियों की तरह कपड़े पहनने में या लड़कियों की तरह बर्ताव करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, और वैसा ही कुछ लड़कियों के साथ भी होता है. उनकी पर्सनैलिटी में आपको एक लड़के की छवि ज्यादा दिखाई देती है. लेकिन थर्ड जेंडर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल ये होती है कि चूंकि समाज उनको समझ नहीं पाता, इसलिए समाज उन्हें लगातार परेशान करता है और हैरस करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थर्ड जेंडर के लोगों के प्रति भी उतनी ही संवेदनशीलता, उतनी ही सेंसिटिविटी रखें जितनी हम एक दूसरे के लिए रखते हैं. वो भी हमारी तरह इंसान है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी सपने हैं, वो भी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहते हैं. अगर हम उन्हें समझ नहीं सकते तो ये उनकी परेशानी नहीं है, ये हमारी परेशानी है. तो चलिए आज ये तय करते हैं कि हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर जेंडर इक्वालिटी हो और किसी भी तरह का भेदभाव ना हो.
ना मेल्स और फीमेल्स के प्रति, ना ही थर्ड जेंडर के प्रति। और जाने अनजाने कैसे हम ये भेदभाव कर देते हैं और कैसे अपनी गलतियों को हम ठीक कर सकते हैं, इस बारे में मैं बात करूंगी अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बी स्मार्ट एंड रिमेंबर, बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल।